डॉक्टर की लापरवाही ने महिला की गोद की सोनी। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसके मुताबिक एक महिला का गर्भपात करवा दिया गया बिना परिजनों को सूचना दिए। देखिए कुशीनगर से आई इस सनसनीखेज मामले की पूरी पड़ताल। नीम हकीम खतरा ए जान वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी, मगर यहाँ नीम हकीम नहीं बल्कि बोर्ड पर बड़ी बड़ी डिग्रियां तान कर अस्पताल खोले बैठे डॉक्टरों का भी हाल नीम हकीम से अलग नहीं है। अब इस महिला को देखिए, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट ये महिला बिल्डिंग की वजह से कुशीनगर के कस्या नगर में स्थित अलशिफा अस्पताल पहुंची, जहां पर्ची भी कटवाई, फीस भी जमा हुई, मगर बिना डॉक्टर के देखे, बिना पर्ची पर कोई दवा लिखे अस्पताल में स्थित मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवा दे दी गई। नतीजा, महिला को इंजेक्शन लगाने के कुछ वक्त बाद उसका अबॉर्शन हो गया। एक बड़ी लापरवाही ने महिला के पेट में पल रहे 5 महीने के मासूम बच्चे की जान ले ली। महिला की हालत देख कसिया के सरकारी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में महिला के परिजन महिला की हालत को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि लापरवाही की इंतहा तो देखिए, अस्पताल की पर्ची कट गई लेकिन किसी भी डॉक्टर ने दवा लिखने तक की जहमत नहीं उठाई और उसे अस्पताल में खुले मेडिकल स्टोर, जिसका नाम अजीज मेडिकल स्टोर है, से सीधे दवा दिला दी गई। जबकि कानूनन बिना डॉक्टर के लिखे मेडिकल स्टोर से दवा नहीं दी जा सकती। मौजूद डॉक्टर ने भी माना कि वे मौके पर नहीं थे, हालांकि बिना पर्ची पर दवा लिखे सीधे मेडिकल स्टोर से दवा लेने के सवाल पर वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। वहीं इस मामले में कसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला चिकित्सक डॉक्टर अधीक्षक नीलकमल का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, मामला गर्भपात का, वह भी बिना पर्ची पर दवा लिखे। आखिर किसके सलाह पर दवा दी गई, ये बड़ी लापरवाही है और महिला की जान भी जा सकती थी, इसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर जनपद में कुकुर मुत्ते की तरह उग आए अस्पताल सिर्फ और सिर्फ उगाही का जरिया बन चुके हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जब अस्पतालों की लापरवाही 2-4 की जान पर भारी न पड़ हो। इस हर बार स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही का दावा करता है, मगर हालात जस के तस है। सवाल उठता है कि मौत के सौदागर बन चुके इन लापरवाह निजी अस्पतालों पर अंकुश कब लगेगा? क्या प्रशासन और कुछ मौतों के इंतजार में है? जो भी किया है ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन कन्वर्सेशन जो किया है कि ऑनलाइन भाई सिंपल ब्लीडिंग रोकने के लिए हमने दवाइयाँ दी, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है। भाई आप मरीज तकलीफ में है तो दर्द दर्द के एक इंजेक्शन लगा दो, जब तक हम लोग आएंगे देख लेंगे, प्रॉपर जांच कराएंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोगों ने सिर्फ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए इमरजेंसी इंजेक्शन लगा दिए हैं, और चूँकि हम लोगों ने मरीज को देखा नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिखा ही नहीं कुछ भी, और वो लोग वेट नहीं किया और चले। परसों हम 7:30 बजे लेकर अपने मैडम को गए अलशिफा में दिखाने के लिए। अलशिफा में पहले फीस जमा करा लिए और बिना डॉक्टर से दिखाए बात किए, लोग डॉक्टर से आपस में क्या बात किए, दवा लिखे लो नहीं पर्ची पे, और ला के इंजेक्शन लगाए लोग और दवा दिए लोग। इंजेक्शन जो नर्स लगा रही थी उसको लगाने का ढंग नहीं था, इंजेक्शन सुई तो उन कमर में था उसके, इंजेक्शन उसके बाहर आ रहा था, पूरा बाहर निकल गया। उसको मैं बोला भी आप बात मत करो मोबाइल पर, वो मोबाइल पर बात कर रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी, इसके लिए पूरा बाहर आ गया। वहाँ पे मैं बात किया तो बोल रही है आप सोचने को ठीक होगा, मैं दर्द का दवा लगा दिया हूँ और ब्लडिंग का दवा लगा दिया हूँ, ग्राफ्ट का ठीक हो जाएगा, आप शनिवार को आप आइएगा सुबह। भाई कल हमारा इमरजेंसी हुआ, कल कैसे क्या कहते, नहीं आप शनिवार को आइएगा। फिर हमारा इमरजेंसी कल आ गया शुक्रवार को, तो फिर शुक्रवार को मैं लेकर बीना में गया, बीना का भी डॉक्टर जवाब दे दिया, फिर ला के मैं इधर यहाँ भर्ती कराया। क्या हुआ? मैं औरत का 5 महीने का डिलीवरी था, नुकसान हो गया अलशिफा में दिखाने, तो वहाँ पे फीस जमा करवा ली और डॉक्टर ऊपर से दवाई मोबाइल पे बता दी, तो वही इंजेक्शन वो लोग लगाए और दवा दी, देखने नहीं आई, बुलाने पे कहने पर भी नहीं आई। हाँ बोले थे कि आके देख लीजिए, थोड़ा इमरजेंसी है, तब भी नहीं आई। परसों रात को गए थे, बृहस्पतिवार के दिन है। शाम की ही है परसों, वहाँ पे हम लोग नहीं गए। कल बोली थी कि हम शनिवार को देखेंगे, कल नहीं बैठेंगे, कल नहीं देखेंगे, आप शनिवार को आइएगा। अभी अभी जैसे मैंने अभी पूरी चीज़ें देखी हैं, पूरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी हैं, तो उनके अलशिफा के प्रिस्क्रिप्शन पे कहीं भी मतलब डॉक्टर्स की कोई हैंड राइटिंग नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। तो इस प्रकरण की मैं एक बार जांच करवाऊंगी,
कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से उन्होंने दवाई कैसे दे दी, कैसे लगवा दी, और इसकी इसके लिए एक बार नोटिस भेजूंगी वहाँ पे, और जैसी होगी सारी बातें मैं उनके तक उनकी भी जान लूँ सारी बातें कि क्या है और क्यों हुआ ऐसा, फिर जांच के बाद ऐसा होगा फिर मैं आपको बताऊँगी।